हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले मैं कतर गया था, तो कतर का वीजा कैसे मिलेगा आपको, तो वो थोड़ा मैं आपको आज बता देता हूं। कतर का आज के डेट में वीजा दो तरह का है। एक जो वीजा ऑन अराइवल तो इंडियन पाकिस्तानी के लिए है, उसमें तो कोई सेम ही है, लेकिन दो तरह का मेरा कहने का मतलब है कि एक हया कार्ड है और एक वीजा ऑन अराइवल है। तो पहले मैं गया था हया कार्ड के थ्रू, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। आपको पता होगा कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, तो जिन भाइयों लोगों ने कतर का जो वर्ल्ड कप के टाइम पे टिकट खरीदा था, तो उनको हया पास मिला था, हया कार्ड मिला था, उसके थ्रू वो एंटर कर सकते, तो वही उनका वीजा कॉपी था। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड कप जब खत्म हो गया तो जिसके पास हया कार्ड था उसको कोड मिला, 3 कूपन कोड मिला, जो वो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके थ्रू वो वीजा अप्लाई करके हया कार्ड मिल सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मेरे को भी इसी तरह से मिला और मेरे फैमिली के लिए भी हया कार्ड का जो कूपन कोड था उसी से मैंने अप्लाई किया और मिल गया। तो इसका अप्लाई करने का बहुत इजी प्रोसेस है। हया के वेबसाइट पे जाइए और या ऐप डाउनलोड कीजिए, आपका ईमेल कंफर्मेशन ईमेल चाहिए, बस ईमेल में आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, उसको एक्टिवेट कर लीजिए, और आपका चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका पासपोर्ट स्कैन अच्छा क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि जब आप पासपोर्ट अपलोड करते हैं ना, वहीं से आपको पूरा डाटा ले लेता है, आपको नाम टाइप करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो और इसके लिए एक और जरूरी, आपको एक होटल बुकिंग भी चाहिए, क्योंकि वो होटल का एड्रेस देना होगा आपको। तो ये है हया का अप्लाई करने का प्रोसीजर, और 2-3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका अप्रूव होके आपका हया कार्ड आ जाएगा। जब आपके पास हया कार्ड आ गया, आज के डेट में आप जनवरी 10 तक एंटर कर सकते हैं और 24 जनवरी तक रह सकते हैं। लेकिन इसका एक ये है कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस भी इनके जो गवर्नमेंट के अप्रूव 10 मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनके ही वेबसाइट से आपको लेना है, और कहीं से लेने से नहीं चलेगा। एक और प्रॉब्लम है कि आज मान लीजिए अगस्त चल रहा है 2023, लेकिन आपको जनवरी 10 तक का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इतना लंबा समय के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये थोड़ा मेरे को ड्रॉबैक लगा इस हया कार्ड का। ऐसे फ्री है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास कूपन हो। और एक नया अपडेट ये भी है कि जो जीसीसी के रेजिडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी कोड नहीं चाहिए। ये हो गया हया कार्ड के थ्रू आपको कैसे मिलेगा। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे को हया कार्ड के थ्रू मिला था, मेरे दोस्तों के पास कूपन कोड था, तो उन्होंने 3 मेरे को दिया था, मेरे लिए और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए। ये हो गया हया का। और वीजा ऑन अराइवल का जो चक्कर है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं उनको वीजा ऑन अराइवल भी दोहा कतर में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोहा कतर में वीजा ऑन अराइवल मिलता है तो बैग उठाया और चल दिए। उसके लिए क्या है, आपका पासपोर्ट 6 महीने का वैलिड होना चाहिए, आपका होटल बुकिंग डिस्कवर कतर के थ्रू ही होना चाहिए, कहीं दूसरे जगह से होटल बुक कर लिए तो नहीं होगा। आप इनके वेबसाइट से होटल बुक करेंगे, अब जितने दिन का होटल बुक करेंगे उतने दिन का ही आपको ये लोग वीजा दे देंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं देंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि डिस्कवर कतर से ही होटल बुक करें, और मेडिकल इंश्योरेंस भी जितने दिन आप जा रहे हैं उसका कर लें, बना लें, और आप क्रेडिट कार्ड या जो भी हो वो प्रूफ करने के लिए कि आपके पास कैश हो तो वो भी चाहिए आपको। और बेस्ट है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो डिजिटली है उसको डाउनलोड कर लें, जो प्रूफ दिखाने के लिए कि आपके पास पैसे हैं। ये है बेसिक जो वीजा ऑन अराइवल है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान से लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, हया नहीं, जो वीजा ऑन अराइवल है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कवर कतर से ही अपना होटल बुक करें। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको हेल्पफुल रहेगा। यदि आप कतर ट्रैवल कर रहे हैं तो दो तरह का, जैसे मैं बताया, हया और वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।